मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 4 बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग. ओके, इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू कवर नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडिया. मीन्स व्हेन वी विल कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स यूजिंग ए नेटवर्क देन विच मीडियम वी विल यूज टू ट्रांसफर अवर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. मीन्स जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो किस मीडियम के थ्रू अपना डेटा वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस सेंड करते हैं. इसके लिए हमारे पास टू वेज है, फर्स्ट वायर्ड, सेकेंड वायरलेस. तो आइए डीपली इसी के बारे में पढ़ते हैं. ओके, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स डिवाइसेस और नोड्स पास डेटा टू ईच अदर अलोंग डेटा कनेक्शंस. जो भी कंप्यूटर में हमारी डिवाइसेस होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना जो डेटा है वो नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करती हैं. जो भी हमारे डेटा कनेक्शंस होते हैं उसी थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर कर ट्रेवल करता है. द कनेक्शंस और नेटवर्क लिंक्स बिटवीन डिवाइसेस और नोड्स आर यूजिंग आइदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया. तो जो भी हमारे लिंक्स होते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में ऐड करने के लिए, उसके लिए हम या तो उसको केबल मीडिया का यूज करेंगे, इस वायर्स का यूज करेंगे, या फिर वायरलेस मीडिया का यूज करते हैं. ओके, नेटवर्क मीडिया इट इज द फिजिकल और वायरलेस चैनल यूज फॉर ट्रांसमिशन इन द नेटवर्क. ये वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, जिसके थ्रू डेटा का ट्रांसफर. वायर केबल्स एंड वायरलेस एयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ मीडिया. वायर्ड में क्या करते हैं, वायर्स का यूज करते हैं, और वायरलेस में एयर और अदर मीडियम का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी आप अपने घर से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और हम यहाँ से बाहर, हमारी जो वॉइस है वो आप तक किस मीडियम के थ्रू पहुँच रही है, वायरलेस. अगर इसी की जगह पे हम और आप एक ही क्लास में बैठ के क्लास ले रहे होते हैं तो हमारे बीच में मीडियम क्या होता है, एयर. एयर ही एक ऐसा मीडियम है, हम आपके साथ में बैठ के क्लास ले रहे हैं तो हमारी वॉइस 1% टू अनदर पर्सन तक पहुंच जाती है. इसी तरह से जब हम कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो जो भी हमारा डेटा ट्रेवल करता है वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ये केबल्स के थ्रू या फिर वायरलेस मीडिया के थ्रू ट्रेवल करता है. ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केबल यूज. सबसे पहले हम बात करेंगे वायर्ड मीडिया की. तो वायर्ड मीडिया में थ्री टाइप्स के केबल्स का हम यूज करते हैं, फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर, सेकेंड कोएक्सियल केबल, थर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल. तो हमारे पास थ्री टाइप्स की केबल्स हैं ये. तो आइए देखते हैं इनको हम किस तरह से अलग अलग लोकेशन पर यूज करते हैं. फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबलिंग इज ए टाइप ऑफ वायरिंग इन विच टू कंडक्टर्स ऑफ ए सिंगल सर्किट आर ट्विस्टेड. जैसे कि आपने घर पे लाइट की केबल्स में देखा होगा तो मोटी वाली केबल आती है उसमें टू वायर्स निकलते हैं जो दोनों ट्विस्टेड होते हैं आपस में, ठीक है. इसी तरह से जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसमें टू वायर्स आपस में ट्विस्टेड किए जाते हैं, इन्हें सिंगल सर्किट ट्विस्टेड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ कैंसलिंग आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस. क्योंकि जिससे कि हमारे एक्सटर्नल ट्रैफिक होता है वो इसको प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. अब जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ये भी टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट सिंगली ट्विस्टेड पेयर, इट यूजेस मेटलिक सील्ड रैपिंग प्रोटेक्ट द वायर फ्रॉम द इंटरफेरेंस. इसमें एक मेटल का कवर लगा होता है जो अदर वायर्स को हमारे वायर में इंटरफेरेंस करने से रोकता है. दूसरा होता है अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी, उसको बोलते हैं एसटीपी और यह है हमारा यूटीपी. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ केबल्स इन द नेटवर्क एंड द चीपेस्ट फॉर्म दैट यू कैन गो विथ. यूटीपी हैज फोर पेयर्स ऑफ वायर्स एंड ऑल आर इनसाइड प्लास्टिक शीटिंग. इसमें क्या होता है, एक मेन केबल होती है उसके अंदर 8 वायर्स होते हैं, दो दो के पेयर बने होते हैं, इस तरह से हमारे 4 पेयर्स हो जाते हैं और टू टू के पेयर भी आपस में ट्विस्टेड की जाती हैं. द बिगेस्ट रीजन दैट
we call it twisted pair, is to protect the buyers from interference from themselves. और इनको ट्विस्ट करके करते हैं क्योंकि ये आपस में इनके जो बायर्स होते हैं वो आपस में टच ना हो, आपस में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस क्रिएट ना करें. ईच बायर इज ओनली प्रोटेक्टेड विद ए थिन प्लास्टिक सीट. और जितने भी बायर्स होते हैं वो एक थिन प्लास्टिक सीट से कवर किए जाते हैं इसकी सेफ्टी के लिए. ओके तो यहाँ पे आप दोनों ही पेयर देख सकते हैं. यह फर्स्ट है आपका सीलिंग ट्विस्टेड पेयर एसटीपी, सेकेंड हो जाएगा आपका अनसीलिंग ट्विस्टेड पेयर यूटीपी. अब दोनों में डिफरेंस समझिए यहाँ पे क्या होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ये आपका अंदर के जो वायर्स होते हैं दोनों में ही सेम होते हैं. बट जो मेटल, यहाँ पे हम ये मेटल कवर यूज करते हैं वायर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मेटल का कवर यूज करते हैं. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लास्टिक कोटेड कवर यूज करते हैं. और प्लास्टिक कोटेड कवर जो होता है ऑलवेज बेस्ट होता है कंपेरिजन टू मेटलिक केबल. ओके नेक्स्ट है हमारा कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल्स आर ए टाइप ऑफ केबल दैट इज यूज्ड बाय केबल टीवी डीएसटीवी एंड दैट इज आल्सो कॉमनली यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन. जो हमारी कोएक्सियल केबल होती है आप अपने घर में टीवी में डीएसटीवी में डीटीएच में यूज करते हैं और ये डेटा कनेक्शन के लिए डेटा कम्युनिकेशन में भी यूज की जाती है. इट्स मेड अप ऑफ ए सिंगल सेंटर सॉलिड वायर symmetrically surrounded by a braided or foil conductor. Between the center wire and foil is a insulating dielectrics. Coaxial cable is sometimes used by telephone companies from their central office to the telephone poles near users. It is also widely installed for use in business, internet and other types of local network. जो हमारी कोएक्सियल केबल्स होती हैं इनको आप टीवी डीटीएच डीटीएच डेटा कम्युनिकेशन टेलीफोन लाइंस में भी यूज करते हैं. ठीक है तो आइए देखते हैं किस टाइप की होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है आपकी कोएक्सियल केबल. सबसे पहले आपका प्लास्टिक का एक कवर होता है जो एक्सटर्नल कवर होता है, ये प्लास्टिक का होता है. ठीक है इसके बाद ये मेटलिक कवर होता है जो कि कॉपर का होता है. उसके बाद सिल्वर का एक कॉइल होता है यहाँ पे, देन प्लास्टिक कवर वाइट प्लास्टिक कवर, इसके अंदर एक कॉपर की एक वायर होती है. ये सभी केबल्स आपने बहुत अच्छे से यूज किया. आपने जब भी आपके नेटवर्क में आपने देखा हो डीटीएच आप यूज करते हैं, टीवी चैनल्स यूज करते हैं, वहाँ पर हम इसी केबल का यूज करते हैं. तो टीवी के साथ साथ ये हमारे डेटा कम्युनिकेशन में भी यूज होता है. ओके नेक्स्ट वन इज फाइबर ऑप्टिक केबल. जो हमारा अगला केबल है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल. इट इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डेटा. जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है इसमें किसी वायर का यूज नहीं करते हैं, इसमें ग्लास और प्लास्टिक से बने हुए वायर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं. ओके द फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ए बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स ईच ऑफ व्हिच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स. जो हमारे प्लास्टिक और ग्लास के बने हुए वेव्स होते हैं और थ्रेड्स होते हैं इसके थ्रू हम इजीली डेटा वन ड्राइव टू अनदर डिवाइस सेंड कर सकते हैं. आपने अपने ईयरफोन्स के देखे जब भी आपका ईयरफोन टूट जाता है तो उसमें कोई भी अच्छे से वायर्स नहीं सो होते, ओनली थ्रेड्स होते हैं जो प्लास्टिक के और ग्लास के होते हैं. उसी से हमारे जो डिजिटल ऑडियो है वो हमारे मोबाइल टू हमारे हेडफोन तक पहुँच जाता है. इफ द एसएमएस का यूज डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी करते हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल. अब फाइबर ऑप्टिक केबल्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो समझ लीजिए. फर्स्ट एडवांटेज है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैव ए मच ग्रेटर बैंडविड्थ देन मेटल केबल्स. मेटल केबल आपको कहाँ पे मिली थी, कोएक्सियल केबल में. ठीक है जो मेटल केबल्स होती हैं उसके कंपेरिजन में हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल की बैंडविड्थ बहुत ही ज़्यादा होती है. दिस मीन्स दैट दे कैन कैरी मोर डेटा. सेकेंड पॉइंट, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर लेस सक्सेसिव देन मेटल केबल्स टू इंटरफेरेंस.
और जो फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं इनमें इंटरफेरेंस के चांस भी बहुत ही कम होते हैं। थर्ड, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर मच थिनर एंड लाइटर देन मेटल वायर्स। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स आपकी होती है मेटल वायर की कंपैरिजन में बहुत ही पतली और बहुत ही हल्की होती है। डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड डिजिटली द नेटिवल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर डेटा रादर देन एनालॉजिकली। और जो भी आपका डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इजीली ट्रांसफर होता रहता है। अब आइए देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। फर्स्ट, एक्सपेंसिव। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि हमारा बहुत ही कॉस्टली होता है। सेकेंड, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। इन एडिशन दे आर मोर फ्रैजाइल देन वायर एंड आर डिफिकल्ट टू स्प्लाइस जॉइन और मर्ज टुगेदर। इसको इंस्टॉल करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें कोई वायर्स नहीं, जो एक बार ब्रेक हो जाए तो हम उसको इजीली ब्रेक करके फिर से ऐड कर दें। इसमें एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें दो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। फर्स्ट इज कॉस्टली, सेकेंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, क्योंकि अगर एक बार इसमें कोई भी ब्रेक हो जाता है तो वापस इसको करेक्ट करना मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो ये होती है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल, ये मेन कवर होता है। फिर ये सभी कवर्स आपके प्लास्टिक कोटेड और जो ग्लास के थ्रेड्स होते हैं उन पे कवर किए जाते हैं। जो व्हाइट कलर से आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके थ्रेड्स होते हैं जो प्लास्टिक और ग्लास के बने होते हैं, जिसके थ्रू आपका डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रेवल करता है। ओके, वायरलेस और एयर मीडिया की। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास कौन कौन से वायर्ड मीडियम होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट था आपका कोएक्सियल केबल, सेकेंड फाइबर ऑप्टिक केबल, थर्ड नाउ वी हैव वायरलेस एयर मीडिया। वायरलेस मीन्स यहां पे हम वायर्स का कोई भी यूज नहीं करते हैं। ओके, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया सेंड्स कम्युनिकेशन सिग्नल्स बाय यूजिंग। तो यहाँ पे आप वायर्स का यूज नहीं करते, तो यूज करते हैं किसका है? ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेलुलर रेडियो, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स। तो ये वेज है हमारे पास इंस्टेड ऑफ वायर्स, इसका आप यूज करते हैं। ओके, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इज ए वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम that distributes radio signals through the air. Radio waves are widely used as signals on radio communications. So radio waves की help से अपना data easily one device to another device send कर सकते हैं। तो आपने देखा जब पुराने कुछ time पहले हमारे घर पे जो radio होते थे उसमें एक antenna दिया रहता था, उस antenna के through ही हमारे radio waves हमारे रेडियो में कैप्चर होते थे और कोई भी रेडियो स्टेशन प्ले करके इजीली सुन सकते थे, लिसन करते थे। सेकंड, ए ट्रांसमीटर इज नीडेड टू सेंड द ब्रॉडकास्ट सिग्नल एंड ए रिसीवर इज नीडेड टू एक्सेप्ट द सिग्नल। तो इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ट्रांसमीटर क्या करता है? सिग्नल्स को सेंड करता है एंड रिसीवर उस पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करता है। सम नेटवर्क्स यूजेस इट ट्रांसरिसीवर व्हिच बोथ सेंड्स एंड रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम वायरलेस डिवाइसेस, बट उस नेटवर्क डिवाइसेस हमारी ऐसी भी हैं ट्रांसरिसीवर का काम यूज करती हैं। ट्रांसरिसीवर के लिए हमें दो अलग अलग डिवाइसेस का यूज नहीं करना होता है, सिर्फ एक ही डिवाइस से हम सिग्नल को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके टावर्स और सैटेलाइट्स हैं। तो रेडियो वेव्स हमारी इस तरह से यहाँ पे ट्रेवल करती है, ये हमारा रेडियो। और आपने देखा जो हमारी पुरानी टीवीज होती थी सिंपल ब्लैक एंड वाइट टीवी, उसके लिए हम एंटीना का यूज करते थे और जब हमारे सिग्नल वीक हो जाते तो इस एंटीना को हम डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करते, तो जहाँ पे सिग्नल्स अच्छे आते थे वहीं पे इसको फिक्स कर देते थे। इस तरह से हम रेडियो और टेलीविजन को पहले यूज करते थे। तो ये जो भी रेडियो टेलीविजन में जो सिग्नल्स यूज होते हैं इसको बोलते हैं रेडियो वेव्स। ओके, माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स
that provide a high speed signal transmission. Microwave transmission involves sending signals from one microwave station to another. तो microwave जो signals होते हैं हमारे, ये भी radio waves की तरह ही काम करते हैं. ये one microwave station से another microwave station पर हमारा data और signals को transfer करते हैं. Microwave transmission is fast but limited to line of sight transmission, which means that microwave must transmit in a straight line with no obstruction between microwave antennas. इसका एक drawback ये भी होता है, microwave radio wave की तरह तो काम करता है but ये हमेशा एक straight line में काम करता है. मतलब ये हमारी कोई दो devices हैं ये, और इनके बीच में मैं डेटा ट्रांसफर करना है, दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, इसके बीच में कोई भी तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए. बाई चांस इनके बीच में मान लो इस तरह से ये कोई तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसके सिग्नल्स स्टॉप हो जाएंगे और हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा. तो ये वैसे लाइन ऑफ साइट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में डेटा को ट्रांसफर करता है और सिग्नल्स को भी ट्रांसफर करता है. नेक्स्ट वन इज सेलुलर रेडियो. सेलुलर रेडियो इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट रेडियो दैट इज यूज्ड वाइडली फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, स्पेसिफिकली सेलुलर टेलीफोन्स. आजकल आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी बैठ के मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, उसमें हमारे सेलुलर रेडियो वेव्स का यूज होता है. हम चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर या किसी भी टाइप के एरिया में हो, इजीली हमारा डेटा वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ट्रांसफर होता रहता है. इट्स यूज्ड ओवर लैंड एरियाज फॉर सेल्स आपने देखा होगा आपके नियर बाई बहुत से कंपनीज के टावर लगे, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल BSNL, इन्हीं पे बेस स्टेशन को स्टेब्लिश किया जाता है जिससे कि वो वहां से आपके आस पास के एरिया में सिग्नल को फ्लो कर सके, सेंड कर सके. When joined together, these cells provide radio coverage over a wide geographic area. This enables a large number of portable transceivers, for example, mobile phones, pager, etc., to communicate with each other and fixed transceivers and telephones anywhere in the network via base station. Means, base stations के through हम अपने transceiver को और mobile phones को किसी भी location पर, room के अंदर हो, room के बाहर हो, किसी भी type के लिए areas में हो, हर एवरी प्लेस पे हम इजीली यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन. अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरह से काम करता है वो भी समझ लीजिए. ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज ए स्टेशन इन स्पेस दैट रिसीव्स माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम एन अर्थ बेस्ड स्टेशन, एम्प्लीफाइज द सिग्नल एंड ब्रॉडकास्ट द सिग्नल्स बैक ओवर ए वाइड एरिया ऑफ मेनी अर्थ बेस्ड स्टेशन. तो आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत से नेटवर्क के लिए टावर्स यूज किए जाते हैं, इसमें बहुत सी डिवाइसेस लगी होती है, वो होते हैं बेस स्टेशन जहाँ से ये डेटा को ट्रांसफर करते हैं, सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं. और ये सीधे कहाँ जाते हैं आपके सैटेलाइट्स के पास जो कि स्पेस में रहता है. तो स्पेस में जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे नियर बाई जो भी टावर्स होते हैं उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ से डेटा हमारे मोबाइल्स के पास या हमारे कंप्यूटर्स के पास पहुँच जाता है. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था, ये भी प्रोसेस पूरा उसी तरह से स्टेब्लिश होता है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूजुअली प्लेस्ड अबाउट 22,300 माइल्स अबव द अर्थ इक्वेटर एंड मूव्स एट द सेम रेट एज द अर्थ. तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं ये अर्थ के इक्वेटर से 22,300 माइल्स की ऊंचाई पर होती हैं और ये अर्थ के साथ ही उसी फास्ट चलती रहती हैं. एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इंक्लूड्स टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पेजिंग एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. मीन्स तो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन से हम क्या क्या करते हैं, सिंपल वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, चैटिंग, GPS, ये सब कुछ हम सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के थ्रू ही यूज करते हैं. तो इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं आप कि हमारे पास किस तरह से हम, ये हमारा एक क्लाइंट कंप्यूटर है जो यहाँ से सिग्नल सेंड करता है. तो जो भी नियर बाई हमारे बेस स्टेशन होते हैं तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करता है, बेस स्टेशन से ये रिक्वेस्ट होते हुए सीधे सैटेलाइट के पास जाता है और सैटेलाइट से हमें
रिस्पॉन्स मिलता है, वापस में इंफॉर्मेशन और रिजल्ट मिल जाता है, तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन स्टेबलिश होता है। नेक्स्ट वन इज इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड वेव्स किस तरह से काम करती है ये भी समझ लीजिए। इंफ्रारेड आईआरई के वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया दैट सेंड सिग्नल्स यूजिंग इंफ्रारेड लाइट वेव्स, लाइट वेव्स की फॉर्म में अपने सिग्नल्स को सेंड करती हैं। आईआर ट्रांसमिशन आल्सो रिक्वायर्स ए लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन एज दैट रिक्वायर्ड बाय माइक्रोवेव्स। जो हमारा इंफ्रारेड होता है ये माइक्रोवेव्स की तरह काम करता है, ये लाइन ऑफ साइट में से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आपने एक लाइट देखी, लेजर लाइट देखी होगी, जब भी आप लेजर लाइट को ऑन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में वो सीधा डायरेक्शन पे जाती है और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका फोकस वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ओके, इस तरह से हमारी इंफ्रारेड भी काम करती है। और दूसरा एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर पे टीवी है तो आपके पास टीवी का एक रिमोट होता है, तो रिमोट में उसमें दो सेंसर्स यूज होते हैं इंफ्रारेड में, एक सेंडर और एक रिसीवर। एक सेंसर आपके टीवी में इनबिल्ट होता है, एक आपके रिमोट में होता है। जैसे ही आप टीवी के सामने रिमोट प्रेस करते हैं तो ये फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। भाई आप किसी अदर डायरेक्शन में, मान लो आपके जो टीवी है वो आप ईस्ट डायरेक्शन में है, वहीं आप वेस्ट डायरेक्शन में रिमोट का डायरेक्शन करके बटन प्रेस करते हैं तो आपका रिमोट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में डेटा ट्रांसफर करता है। ओके, कंप्यूटर डिवाइसेस सच एज माउस, प्रिंटर एंड डिजिटल कैमरा व्हिच हैव एन IRDF पोर्ट मे ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस यूजिंग इंफ्रारेड लाइट वेव्स। IR इज एन अल्टरनेटिव टू शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन सच एज ब्लूटूथ। नेक्स्ट वन इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आपका किस तरह से काम करता है? ब्लूटूथ इज ए काइंड ऑफ शॉर्ट रेंज अबाउट 10 मीटर्स ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन विच कैन ट्रांसमिट डेटा एट ए रेट ऑफ 1 MB पर सेकेंड अमंग ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस। तो ब्लूटूथ तो आप सबने यूज किया है। जब ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो 10 मीटर्स होती है, 10 मीटर्स की रेंज में जो ब्लूटूथ के थ्रू जो भी हम डिवाइसेस अपनी कनेक्ट करते हैं उन सभी डिवाइसेस में इजीली डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसकी रेंज होती है 1 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम स्पीड भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस इंक्लूड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, इंटरनेट अप्लायंसेस एंड सेलुलर टेलीफोन्स। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड बोथ टाइप्स ऑफ मीडिया, फर्स्ट वायर्ड मीडिया, सेकेंड वायरलेस मीडिया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू एवरी वन, हैव अ नाइस डे।